मीशो की तरफ से एक रिटर्न रिसीव हुआ है, कस्टमर रिटर्न, जिसका AWB नंबर और वे बिल, रिवर्स वे बिल सब देख लीजिए, ऑर्डर नंबर, AWB नंबर देख लीजिए, ये रहा ऑर्डर नंबर, ये रहा पूरा बिल, पूरा बिल, पैकेज कंडीशन इंटैक्ट है, देख लीजिए सारे दिख से, तो नखरेबाजी करोगे। आगे से भी ठीक है, पीछे से भी ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें डैंट फोर्ड का चार्जर भेजा था, क्या रिटर्न किया है कस्टमर ने। देखो क्या मिला है भाई, देखो दो चम्मच कटलरी वाले और वो भी गंदे। अगर इसका कंपनसेशन नहीं मिला ना तो अच्छा नहीं होगा, एक्सप्रेस वीज बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मीशो की तरफ से अपडेट आया हुआ है, मैं इधर पे ऑर्डर आईडी पेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ऑर्डर आईडी पेस्ट किया गया है, अभी से एंटर जब करेंगे तब ये ऑर्डर फिश होके आएगा सामने। देखिए इसको क्लोज कर दिया गया है और कंपनसेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है आपका, अब इसका रीज़न आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए इनका कहना क्या है, यहाँ पे उनका कहना है कि जो वीडियो है उसमें पैकेट का सारा साइट क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप लोग ही ज़रा चेक कीजिए इधर पे, कहाँ पे विजिबल नहीं हुआ है, चेक कीजिए आप लोग। मतलब इनको, मतलब एक्सप्रेस बीज को कुछ नहीं, मतलब क्लेम नहीं देना है तो कुछ भी बहाना बना के कॉपी पेस्ट रिप्लाई कर देंगे। मतलब इतना फालतू हो गया है मीशो का जो सर्विस है ना, कस्टमर रिटर्न के ऊपर जो क्लेम देता था वो ईकॉम तो देता है, ईकॉम और शैडोफैक, ये दोनों थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स देता है, एक्सप्रेस बीस और डिलीवरी, ये जो दो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है ये लोग सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, समझ पा रहे, आशा करता हूँ आप लोग। देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट सी ऑल द साइड्स, यहाँ पे कहाँ पे साइड विजिबल नहीं है, इतना झूठ पे झूठ, मतलब कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब कोई पुराना यूज किया हुआ चम्मच भेज दे रहा है प्लास्टिक का, उसमें भी ऐसा हो रहा है, कभी स्पीकर भेजता हूँ तो उसमें कभी टूटा फूटा टिफिन बॉक्स भेज देता है, उसमें भी कंपनसेशन नहीं दे रहा है, कभी कभी आरटीओ